यहाँ पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों ने चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। पैसा ही पैसा, इतना कि गिनते गिनते मशीन हांफने लगी। नोटों की गड्डियां ही गड्डियां, बंडल बनाकर करप्शन के इस काली कमाई को ईडी के अधिकारी नोट कर रहे हैं। दो करोड़, चार करोड़, दस करोड़, बीस करोड़, तीस करोड़, चालीस करोड़ और इससे भी ज्यादा। और नोट ही नहीं, ज्वेलरी भी, जिसकी कीमत आंकी जा रही है। ईडी के अधिकारी भौंचक्के हैं, कहां से आया इतना पैसा, किसकी है ये पाप की कमाई, करप्शन का जाल कहां तक फैला है। नोटों के बंडल इसका सबसे ताजा उदाहरण है। झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव पाल के हाउस हेल्पर के यहां छापेमारी हुई। आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों ने चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। जो पैसों का पहाड़ आपकी स्क्रीन पर है, ये मंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी के नौकर के घर से बरामद हुआ है और उसी राज्य में बरामद हुआ है जहां के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करप्शन केस में जेल में हैं। उसी राज्य से बरामद हुआ है जहां इससे पहले कांग्रेस नेता धीरज साहू के घर से 300 करोड़ बरामद हुए थे। ये वही राज्य है झारखंड, जहां की 37% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। नोट का बिस्तर बिछाकर सोने वाला वो कौन है जिसके ये करोड़ों रुपए हैं, ये भी सामने आएगा। लेकिन इस केस में जो अब तक सामने आया है वो भी कम दिलचस्प नहीं है। ईडी की छापेमारी वीरेंद्र के राम से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में की जा रही है। वीरेंद्र राम झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर हैं। वीरेंद्र राम को ईडी ने पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया था। वीरेंद्र राम पर ग्रामीण विकास विभाग की कई योजनाओं को लागू करने में अनियमितताएं बरतने का आरोप है। पिछले साल ईडी ने आरोप लगाया था कि वीरेंद्र के राम ने ठेकेदारों को टेंडर के बदले कमीशन के रूप में कथित रूप से आपराधिक आय कमाई। 2019 में वीरेंद्र राम के एक सहयोगी के यहां से भी भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। इससे पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 30 करोड़ से ज्यादा के नोट ही नोट जो आप देख रहे हैं, कि इसकी कहानी 10,000 के रिश्वत केस की गिरफ्तारी से शुरू हुई थी। नवंबर 2019 झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने वीरेंद्र राम के सहयोगी जूनियर इंजीनियर सुरेश वर्मा को ठेकेदार से 10,000 की घूस लेते पकड़ा। सुरेश वर्मा के घर एसीबी ने छापेमारी में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की। तब सुरेश वर्मा ने दावा किया था कि ये पैसे वीरेंद्र राम के हैं और उनके रिश्तेदार ने पैसे रखने को दिए थे। ईडी ने वीरेंद्र राम को गिरफ्तार कर लिया और वीरेंद्र राम ने बयान दर्ज कराया कि ये पैसे मंत्री को भी पहुंचाए जाते थे। ये पहली बार था जब मंत्री आलमगीर आलम का नाम सामने आया और इसी जांच के दौरान ही आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल का नाम भी सामने आया, जिनके नौकर के घर पकड़े गए पैसों को गिनने के लिए मशीन लगानी पड़ी। हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं दो जो दो दो मंत्री का पीएस रह चुके थे, उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में, हाँ तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। पैसा सामने है, कोई दलील की गुंजाइश नहीं दिख रही है। चुनाव के एन बीच कांग्रेस की गाड़ी फंस गई है। झारखंड कैश कांड ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। आलमगीर आलम का नाम सामने आने के बाद ईडी अब आगे क्या कार्रवाई करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले आलमगीर आलम का पूरा परिचय देख लीजिए।
आलमगीर आलम चार बार से कांग्रेस के विधायक हैं। वो पाकुड़ सीट से वर्ष 2000, 2005, 2014 और 2019 में विधायक चुने गए। अक्टूबर 2006 से दिसंबर 2009 के बीच आलमगीर आलम झारखंड विधानसभा में स्पीकर भी रह चुके हैं। 2019 के चुनाव में जब झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी तो मंत्री बने। झारखंड में कांग्रेस के एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया कैश मिली, 350 करोड़ रुपया रोकड़ा, और आज कल रात को ही झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपया जब्त हुआ है। भाइयों, आलमगीर आलम अपने निजी सचिव से पीछा छुड़ाते नजर आ रहे हैं, लेकिन झारखंड की वर्तमान महागठबंधन की सरकार कैसे पीछा छुड़ाएगी? भ्रष्टाचार का दलदल नहीं बना होता तो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर झारखंड में गरीबी का नामो निशान नहीं होता। मोदी सरकार के साथ खेला करने का दावा करने वालों ने तो लगता है कि जनता की गाढ़ी कमाई के साथ ही खेला कर दिया है।